हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है हमारे नीट भर्ती 2021, क्योंकि स्टूडेंटों के यहाँ पर दोस्तों लगातार यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, बार बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या नीट का एग्ज़ाम 20 जून को हो सकता है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले हम आपको सबसे पहले तो ये बोल देना चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा जी, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो 20 जून को ही यहाँ पर करवाया जाएगा। उसके अलावा 12 अप्रैल को डॉक्टर डीपी जारोली, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, उसके अलावा समन्वय के रीट भर्ती 2021 के, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो 20 जून को यहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा जी, उसके अलावा जो हमारे अध्यक्ष है डॉक्टर डीपी जारोली, रीट भर्ती के समन्वयक है, उन्होंने भी जब ये चीज़ बोली थी, उस टाइम दोस्तों जो राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई थी। अब जैसे कि आपको पता है कि 3 मई तक तो संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी अभी जो मांग चल रही है रीट भर्ती में, वो चल रही है कि जो हमारी रीट भर्ती है उसमें पदों की वृद्धि की जाए। अब शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा इसमें जो पदों में कितने पद यहाँ पर खाली है, तो दोस्तों लगभग 15 से 20 हज़ार पद अभी भी थर्ड ग्रेड टीचर के खाली है। ठीक है, आरपीएससी में हो या फिर कहीं पर भी हो, सारे स्कूलों में मिलाकर के यहाँ पर इतने पद यहाँ पर खाली है। तो यही मांग की जा रही कि जो लगभग 31 हज़ार की जगह यहाँ पर 54 हज़ार पदों पर भर्ती की जाए। लेकिन दोस्तों, अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इसको लेकर के फैसला लेना है कि पदों में कितनी वृद्धि की जाए। वैसे पूरी तरह से संभावना है चाहे 5 हज़ार ही पदों में वृद्धि की जाए, लेकिन आपके पदों में वृद्धि 100% यहाँ पर की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है कि 3 मई के बाद वो संपूर्ण भारत में लॉकडाउन दोबारा से यहाँ पर लगा दिया जाए। अब दोस्तों, ये लगाते या नहीं लगाते वो तो फिर बाद की बात है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है 3 मई के बाद संपूर्ण भारत में। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो मन में जो सबसे बड़ा डाउट है वो कि रीट का एग्ज़ाम 20 जून को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि रीट का एग्ज़ाम के लिए जो फोरम है रीओपन होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे कि फोरम रीओपन होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, आपके फोरम है वो 100% रीओपन होंगे, क्योंकि इसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है फोरम रीओपन करने के लिए। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो आयु की सीमा में छूट दी गई, तो उसके बाद में सरकार को करना है कि फोरम दोबारा रीओपन करें। तो दोस्तों, अब अप्रैल में तो आपके आज 25 अप्रैल हो चुका है, तो अप्रैल माह में तो लग नहीं रहा है कि आपके फोरम यहाँ पर रीओपन होंगे। तो दोस्तों, अब मान के चलिए अगर 5 से 10 से 15 मई के बीच में आपके फोरम यहाँ पर सरकार के द्वारा रीओपन किए जाते हैं, तो लगभग 10 से 15 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया जाता है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो भी नए विद्यार्थी होते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपकी मई तो पूरा माह तो ऐसे ही निकल जाएगा फॉर्म रीओपन और फॉर्म भरवाने में। उसके बाद में जो राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, इसकी गाइडलाइन के अनुसार जब नया स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पर भरता है, तो उसके बाद में सरकार को अतिरिक्त 45 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जाता है स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए। तो अब आपके अगर मई माह तक आपके फॉरम रीओपन होने के बाद में फॉरम भरने के यहाँ पर काम कंप्लीट करवाया जाता है, तो आप मान के चलिए 45 दिन के टाइम के अनुसार आपके 15 जुलाई तक तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरम रीओपन होने के बाद में 45 दिन का टाइम दिया जाता है और एग्ज़ाम आपके करवाए जाने की बात चल रही है 20 जून को। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच के चलिए कि जब फॉरम रीओपन होंगे, 45 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया जाता है, तो 20 जून को आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बात है, अब इसके बारे में फोरम कब रीओपन होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी चालू रखिए। अब बात करते हैं कि जब गोविंद सिंह डोटेसरा जी ने 20 जून की बोली है, तो दोस्तों गोविंद सिंह डोटेसरा जी ने तो 2020 में भी बोला था कि एग्ज़ाम अगस्त में करवाया जाएगा, फिर बोला गया सितंबर में करवाया जाएगा, फिर बोला गया रीट एग्ज़ाम जनवरी में करवाया जाएगा, फिर मार्च अप्रैल में करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गोविंद सिंह डोटेसरा एक बात में तो कुछ भी दम यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब यही है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी निरंतर रखिए। एग्ज़ाम कब होता है, हो सके तो क्या पता 20 जून को ही आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो आप तो अपनी तैयारी चालू रखिए, क्योंकि दोस्तों आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, आपकी सालों की मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए,
बार बार रिवीजन कीजिए। अभी एग्ज़ाम कभी भी होता है, कब नहीं होता है, तो सरकार के ऊपर करते हैं। और दोस्तों आप अपने घरों में रहिए, घर वालों को भी बोलिए कि बाहर ना निकले, क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि पता है डेली यहाँ पर लाखों की संख्या में कोरोना के मरीज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। परिवार सुरक्षित रखिए, पहला सुख निरोगी काया होता है। इसलिए दोस्तों घर पर रहिए, ज़्यादा शादी समारोह में ना घूमें, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए। दोस्तों आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था दोस्तों कि रीट के भर्ती के बारे में चर्चा करना दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।